बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एम ए उर्दू अदब साल अव्वल परचय जहारम तारीख ज़ुबान व अदब। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले सवालात सुनिए। फोर्ट विलियम कॉलेज के क्याम के मकासद क्या थे? फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू अदब की बड़ी खिदमत की। फोर्ट विलियम कॉलेज उर्दू नसर का गहवारा था। फोर्ट विलियम कॉलेज ने कुरान करीम के उर्दू तर्जमे किए। इन सब सवालों के जवाब दरकार होंगे, देखते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में कायम हुई और वहीं से अंग्रेज़ों की हुक्मरानी का आगाज़ हो गया, क्योंकि उन्हें कोई मज़ाहमत तो नज़र आई नहीं थी। इधर मुसलमान अपनी शान व शौकत खो चुके थे और सोने की चिड़िया अंग्रेज़ों के हाथ आने वाली थी, इसलिए इसका बंदोबस्त उन्हें करना था। तो जनाब, ये सब बातें सब जानते हैं कि सियासी मकासद ही सबसे बड़ी वजह थी फोर्ट विलियम कॉलेज कायम करने की, क्योंकि अंग्रेज़ों का नज़रिया कोई उर्दू ज़बान को तरक्की और तरवीज तो नहीं था। वो तो पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्हें ज़ुबान उर्दू से जान पहचान ज़रूरी थी, जो पूरे हिंदुस्तान में बोली और समझी जाती थी। लेकिन इसको अंग्रेज़ भी पढ़ना चाहते थे और पढ़ाने के लिए कोई मवाद ख़ास तौर पर नहीं था और कोई स्कूल नहीं थे, इसलिए कारोबारी और सरकारी अमूर सरंजाम देने की सलाहियत पैदा करने के लिए अंग्रेज़ अफसरों के लिए ईस्ट इंडिया की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ये ज़रूरी करार दिया कि वो हिंदुस्तान की ज़ुबान और तहजीब से आगाही हासिल करें। फिर लॉर्ड वेल्सले ने कलकत्ता में 1799 में एक स्कूल कायम किया, जो 1800 में फौरी तौर पे वो फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से मौसूम हुआ, और डॉक्टर गिलक्राइस्ट इसके प्रिंसिपल मुकर्रर हुए। लॉर्ड वेल्सले ने यह कॉलेज जिन मकासद की बिना पर कायम किया था वो ये थी कि हिंदुस्तानी बोलचाल जो है उसमें नौवार्द अंग्रेज़ अफसर जो महारत हासिल कर लेंगे, उसकी बदौलत कंपनी में उन्हें मुलाजमत के दौरान अपने मनसब के फ़राइज़ भी हुस्न व खूबी से सरंजाम दे सकेंगे। इसीलिए डॉक्टर गिलक्राइस्ट ने बहुत से अदीबों को जमा किया और मुख्तलिफ किताबों के तर्जमे करने के बारे में मशवरा किया और इस काम का आगाज़ किया। फोर्ट विलियम कॉलेज की सियासी वजूहात से कता नज़र हम ये देखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की कोशिश की वजह से उर्दू नसर में सादगी, सलासत, रवानी पैदा हुई। इस तहरीक की वजह से उर्दू ज़बान में इतनी वसत पैदा हो गई कि वो आगे चलकर हम असर ज़ुबानों की आँखों में आँखें डालकर बात करने के काबिल हो गई। अब उर्दू में इतनी हमागीरी पैदा हो गई कि मजहबी, सियासी, इल्मी, फ़नी, तकनीकी, साइंसी, मुआशी अलूम व फ़नून की इस्तलाहात को तर्जमा कर सकती है और मानी बयान कर सकती है। लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज नुक्ता आगाज था और इस तहरीक को अदब के उनासरे खमसा ने भरपूर अंदाज में चलाया। फोर्ट विलियम कॉलेज में जिन इंशा परदादों ने उर्दू नसर में नुमाया काम किया उनमें मीर अमन, हैदर बख्श हैदरी, बहादुर अली हुसैनी, हफीज़ुद्दीन अहमद, शेर अली अफसोस, निहाल चंद लाहौरी, इकरामुल्ला, इमानतुल्ला, मिर्ज़ा अली लुत्फ के नाम ख़ास तौर पर काबिले ज़िक्र हैं। मीर अमन देलवी को फोर्ट विलियम कॉलेज का परवरदा है, मुसन्नफीन में नुमाया मुकाम हासिल है, जिसने तहसीन की नौ तर्ज़ मुरस्सा को दिल्ली की ठेठ ज़ुबान में मुंतकिल किया। बागो बहार में ज़ुबान की सादगी और रोज़मर्रा मुहावरा की चाशनी हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत की अकासी, रवानी, सलासत, जज्बात निगारी मौजूद है। इसके अलावा उसमें फन्ने किस्सा गोई से आग ही झलकती है। मीर अमन की उर्दू नसर आज भी जिंदा है और बेहतरीन है। मीर अमन के अलावा मीर शेर अली अफसोस की खिदमात भी फोर्ट विलियम कॉलेज को हासिल थी। उनकी मशहूर किताबें बागे उर्दू और आरायश महफिल हैं। आरायश महफिल खुलासातुल तवारीख का उर्दू तर्जमा है। मीर बहादुर अली हुसैनी ने चार किताबें लिखीं, नसर बेनज़ीर, इखलाक हिंदी, तारीख आसाम और हिंदुस्तानी ज़ुबान के कवायद की तलखीस वगैरह।
सैयद हैदर बख्श हैदरी का ताल्लुक भी फोर्ट विलियम कॉलेज से था। उन्होंने तोता कहानी, किस्सा लैला मजनू, तारीख़ नादिर गुलजार और गुले मगफरत जैसी बुलंद पाया किताबें तहरीर की। काज़म अली ने कालिदास की संस्कृत नॉटिक को उर्दू में इस उन्वान यानी शकुंतला में डाला। इसके अलावा तारीख़ फ़रिश्ता का तर्जमा किया। बारहमासा जिसमें हिंदुस्तान की मुख्तलिफ फसलों मौसमों का की तफसील के अलावा हिंदू मुस्लिम त्यौहारों और रसूमात का तज़किरा भी दिलचस्प पैराए में बयान किया गया है। इन कुतुब की खूबियाँ और तफासील तो ख़त्म होते होते होंगी, इसके अलावा खिदमात भी देखते हैं। उर्दू का पहला प्रिंटिंग प्रेस इसी कॉलेज के की तरफ से कायम किया गया और बाज़ किताबें ख़ास हसन व खूबी के साथ शाया की गई। सबसे बड़ी खिदमत इस कॉलेज की ये है कि सलीस नसर निगारी की शाहरा कायम कर दी गई। अगर ये महकमा कायम ना होता तो अरबाब इल्म इस तरफ ज़रूर आते लेकिन थोड़ी देर लग जाती। इन किताबों के मौजूद होने पर भी लोगों ने तवज्जो करते करते काफ़ी वक्त लगा दिया। अब काम शुरू किया इन्होंने सब मकसद कॉलेज के मुंतजमीन ने सलीस नसर निगारी का मकसद जो था वो मुतय्यन करने का काम शुरू किया। लिहाजा ये पहला इल्मी और अदबी अदारा था। लिहाजा फोर्ट विलियम कॉलेज के जो ज़ेरे एहतमाम छपने वाली किताबों पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि कवायद व नात, तारीख़ व तज़किरा, मज़हब व इख़लाक, मज़हबी तालीमात और जुग्राफिया, किस्से कहानियों की किताब में उर्दू को मालामाल कर दिया इन्होंने और मुख्तलिफ मौजूआत पर पहली मरतबा इन्होंने कदम उठाया और कुरान करीम का तर्जमा भी इन्होंने शुरू कर दिया। अब देखते हैं कुरान करीम का तर्जमा जिस तरह से 18वीं सदी ईस्वी के आखिर में शाह वलीउल्लाह मुहद्दस देहलवी की ज़ात ग्रामी के बायस दिल्ली इस्लामी उलूम का मरकज़ बन गया हुआ था। शाह वली अल्लाह के दूसरे बेटे शाह रफ़ीउद्दीन ने सलीस और बामहावरा उर्दू में कुरान करीम का तर्जमा किया। इसके बाद शाह साहब के तीसरे बेटे शाह अब्दुल कादर ने भी कुरान पाक का तर्जमा किया जो मौजूदा दौर में भी वैसा ही मकबूल है। उन्होंने उर्दू में कुरान के अल कुरान के नाम से एक ताबीर भी लिखी जिसका तर्जमा मौलवी अब्दुल्ला ने किया जो कि 1812 में हुंगली से शाया हुई। अब देखते हैं कि जॉन गिलक्राइस्ट के अलावा उर्दू के मुतअद्दिद दूसरे मुसन्निफ़ीन यूरोपीय मुसन्निफ़ीन ने भी उर्दू की तरक्की में मदद दी। इस ज़ुबान में कुतुब लिखी और अमली तौर पर तरक्की भी की। जैसे कप्तान जोसेफ टेलर हैं उन्होंने अंग्रेज़ी उर्दू लुगत तहरीर की और ग्लेडोन जिन्होंने फारसी लुगत तहरीर की, फिर कप्तान टास्क हैं उन्होंने हिंदुस्तानी लुगत उर्दू में तहरीर की और इस किताब को तर्जमान ने हिंदुस्तान का नाम दिया। ये 1824 को लंदन से शाया हुई। जॉन शेक्सपियर ने उर्दू लुगत और मुंतखबात हिंदी दो जिल्दों में मरतब की और SBSW बल्टेन उन्होंने उर्दू ज़बान में अच्छी काबिलियत बहम पहुँचाई। फिर एक किताब खुद आजमूदा कवायद ज़बान हिंदुस्तानी मरतब की जो 1831 में लंदन से शाया हुई। जेम्स टॉइन ये भी एक हिंदुस्तानी कवायद की इन्होंने इसको मरतब किया जो कि 1824 को ये भी लंदन से शाया हुई। उर्दू नसर निगारी का दूसरा दौर जिस कदर मुख्तसर था कारनामे उतने ही ज़बरदस्त थे। अगरचे तमाम किताबें जो उस दौर में तसनीफ़ व तालीफ़ हुई किस्से कहानियों पर मुश्तमिल हैं लेकिन नसर निगारी का ज़ौक फैलाने में वो किस्से कहानियाँ बेहद मुफीद साबित हुई। अलावा बनी चूँकि ये किताबें ज़्यादातर अंग्रेज़ों के पढ़ाने के लिए थीं इसलिए इनमें इनका अंदाज नहायत आसान सादा साफ रखा गया और इसी रंग को लोग पसंद करने लगे। वरना तो सौदा और फजली का रंग आम होकर मुद्दत तक वही जारी रहता। कॉलेज के कारहाए नुमायाँ कमाल थे, नतायज दूर रस थे, सियासी मकासद तो अंग्रेज़ों ने हासिल कर लिए। यहाँ रहने वाले अंग्रेज़ों ने उर्दू भी अच्छे खासे तरीके से सीख ली ताकि वो आवाम से अपना राबता मुहिम को जारी कर सकें और अपने सियासी मकासद भी हासिल कर सके हुए। लेकिन इसके साथ ही ये कॉलेज कायम होने की वजह से हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान जिसके तरवीज और तरक्की
उनका कोई और जरिया नहीं होने वाला था, इसने एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया। उसके बाद फिर अलीगढ़ कॉलेज और बहुत से दूसरे कॉलेज भी कायम हुए, लेकिन सबसे पहले ये हमें सब इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज ही का बुनियाद नज़र आती है, इस सारे काम आगे जो होने वाला था। और हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान की अहमियत हासिल इस वजह से हो गई, और इस उर्दू ज़बान ने दिन दुगनी रात चुगनी यहाँ तरक्की की। अब इसमें मुख्तसरन तमाम बातों के जवाब दिए गए हैं जो सवालात पहले किए थे। अब इसमें अगर आपको और अपनी मालूमात शामिल हैं तो आप इसमें कर सकते हैं, ताकि आपका सवाल आपकी मर्ज़ी के मुताबिक तैयार हो जाए। इसको सुनिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लिंक कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।